वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा चटपट मोस्ट इजीएस्ट और फास्टेस्ट आलू गोश्त बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, हम इंस्टेंट पॉट में बना रहे हैं। इंस्टेंट पॉट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर है। आप मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि भाई प्रेशर कुकर में आप बनाया करें, पतीले में टाइम ज़्यादा लगता है, 50-60 मिनट्स लग जाती है। तो जो भी मैं बना रही हूँ वो एग्जैक्टली आप अपने प्रेशर कुकर को जानते हैं ना, तो आप अपने तरीके से बनाइएगा कि कितना टाइम लगता है, अदरवाइज रेसिपी तो सेम ही रहेगी। सबसे पहले हम सॉटे मोड ऑन कर लेंगे। अब सॉटे मोड क्या है कि जैसे हमने चूल्हे पे कुकर रखा और हल्का सा चूल्हा चला दिया, तो ये हमारा सॉटे मोड है। तो ये इस तरह से हमने इसका चूल्हा हल्का सा चला दिया, क्योंकि अभी हम पका नहीं रहे हैं, अभी तो हम सारी चीज़ें डंप करेंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सेम चीज़ें होंगी। तो देखिए, हमारे पास यहाँ 2 पाउंड मटन है, ये 1 किलो के आसपास, ये हम अपने पतीले में डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं कि 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी चिली पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला गया, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट, ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जो कि कुछ यूं है कि 4 लौंगे, 4-6 दाने साबुत काली मिर्च के, 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 सिनेमन के दालचीनी के पीस और 2 तेज़पत्ते। ये देखिए हल्की हल्की जो आवाज़ आना शुरू हुई है, हल्की हल्की सी, वो उस बात की निशानी है कि चूल्हा जो है वो हमारा ऑन है। लेकिन ये कि ये ठंडा ही रहता है ऊपर से, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप पहले तल लें और फिर डाल दें, अदरवाइज थोड़ी सी बारीक चॉप करके कच्ची भी डाल सकते हैं। तो चलिए, ये डाल दी हमने 1/2 कप। यानी फ्राई करनी अगर हो आपको तो एक मीडियम साइज़ की प्याज है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही। अब दही ये है कि थोड़ा सा आप लोग हिला लें और फिर इसको डाल दें। चलिए, ये हिला लिया हमने और अब इसको डाल दिया। आप चाहें तो ज़रा ज़्यादा फेंट लें। ये हमारी फैमिली का मोस्ट फेवरेट आइटम है और ये वीकेंड में एक मर्तबा ये खाना ज़रूरी है, इसी तरह झटपट बनने का स्टाइल वाला ही। अच्छा, 1/2 कप हम डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े झटपट बना के रख दें, रमज़ानों में तो बड़ा काम आएगा। तो चले ये डाल देते हैं। और अगर अभी आपके पास ना हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम डाल दें, चाहे तो ज़्यादा डाल लें। ये हो गया 6। अब क्या कुछ भी नहीं करना है हमें, इसको बस मिलाएंगे। ये देखें, चूल्हा ऑन हो गया था हमारा। ये मिलाते के साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। अब ये जो है आप लोग के कुकर पे है, जैसे ये इंस्टेंट पॉट पानी नहीं लेता है ज़्यादा, और आप लोग का कुकर का आप लोग को आइडिया होगा कि कितना लेता है। तो मैं 1/2 कप डाल रही हूँ, आप लोग देख लें कि कुकर कितना लेता है, ठीक है। चल, इसको दोबारा हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही का पानी, टमाटरों का पानी सब रिलीज भी तो होगा ना इसमें से। चले, बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हमें बंद कर देना है। तो अब जैसे आप लोगों का कुकर का ढक्कन है वो आप ढक लेंगे, स्लो पे जैसे रखा तब फिर आँच तेज़ कर लेंगे ना, तो अब हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे बंद करने के बाद। अच्छा, अब हम मोड जो है वो कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे और अब हम ले जाएंगे प्रेशर कुक के मोड पे। ये देखिए, प्रेशर कुक का मोड आया ना, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ देखिए 15 मिनट इन्होंने टाइमिंग दिए थे, तो मेरे लिए वही सही है, तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। तो प्रेशर बिल्ड होने के बाद 15 मिनट लगेंगे,
तो आपके प्रेशर बिल्ड होने के बाद जो भी आपका टाइम है आपको गलाना है गोश्त को 90-95%, क्योंकि हम आलू भी डालेंगे, तो जितना आपको पानी डालना हो डालें बस, और फिर उसके बाद बंद कर दें और फिर मिलते हैं बिना मेहनत के ख़तरनाक जो है आलू गोश्त बनाएंगे। देखिए 12 मिनट हुए, हमारा टाइमर बंद हो चुका है, तो अब हम वेंट करते हैं। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप लोग कुकर में एक सीटी, दो सीटी या 10 मिनट या 12 मिनट, जो भी कुकर पे डिपेंड है, तो जब आप करते हैं या फिर उसके बाद आप चूल्हा बंद कर देते हैं, लेकिन खोलते थोड़ी देर बाद है, फ़ौरन भी खोल सकते हैं, 10-15 मिनट बाद भी खोल सकते हैं। तो ये 12 मिनट इसने टाइम शो किया कि वो कुकर बंद हो चुका था और अब हम खोल रहे हैं, तो चले खोलते हैं। देखिए खुशबू इतनी आ रही है, देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, लग रहा है कि हमने भूना नहीं था, कुछ नहीं किया था। अच्छा अब इस पॉइंट पर चूंकि आलू गोश्त है तो हम आलू डालेंगे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ आलू है, हमारे दरमियाने से ऐसे थे, तो हमारे यहाँ आलू गोश्त में आलू बड़े पसंद किए जाते हैं। अगर आपके यहाँ छोटे पसंद किए जाते हैं इसको हाफ कर दें, लेकिन हमारे यहाँ ये साइज़ बहुत पसंद की जाती है। तो देखिए मेरे पास ये है 5-6 आलू, तो ये मैं डाल देती हूँ। जो थोड़ा सा बड़ा होगा उस पर मैं थोड़ा सा यहाँ कट लगा दूँगी, इससे क्या होगा कि टाइम का पकने का सेम रहेगा सिर्फ कट लगा देने से, और जो जैसे थोड़ा सा छोटा है तो उसको ऐसे ही डाल दूँगी। तो बस इस तरह से हमने कट लगा दिए, और अब इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देंगे। ये देखें हमारे पास सिरानो पड़ी है, आपके पास जो भी मिर्चें हों, आपको जो दिल चाहता है, आपको जो पसंद हो वो डाल लें। थोड़ी सी हम तोड़ के डाल देंगे, थोड़ी साबुत डाल देंगे, खुशबूएँ अच्छी आएंगी और थोड़ी सी तेज़ी भी आ जाएगी। तो ये देखें ये जो छोटी मोटी हम ऐसे डाल देते हैं और कुछ को थोड़ा सा काट लेंगे। अब ये पॉइंट है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको शोरबा कितना पसंद है, कितना रखना है आपको शोरबा। इसमें ये आलू जा रहा है तो मैं थोड़ा सा तो डालूंगी, अब अगर मैं नहीं डालूंगी तो यही गोश्त थोड़ा सा भुना भुना टाइप का हो जाएगा, ऐसे ही रहने दूंगी तो, क्योंकि 2 मिनट और पकाएंगे। और अगर थोड़ा सा डाइल्यूट चाहिए या उससे भी ज़्यादा डाइल्यूट चाहिए तो वो आप पर है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ 1 कप पानी है, तो मैं इसमें डालूंगी 4-5 टेबल स्पून। तो ये मैंने डाल दिया 1/4 कप पानी, इसको बस मैं हिलाती हूँ। और अब मैं दोबारा कुकर को अपने बंद कर दूंगी। अगर आप चाहें तो प्लेन ढकना लगा के भी कर लें, और कुकर में कर रहे हैं तो कुकर में कर लें, ठीक है। चले हम दोबारा इसको बंद करते हैं। तो बस इसको हम स्टार्ट कर देते हैं और 2 मिनट के लिए बस रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 मिनट के बाद जब प्रेशर डाउन होगा हम मिलते हैं। चले अब हम कैंसिल करते हैं, और जैसे आप चूल्हा बंद करते हैं ना ऐसे मैंने ये कैंसिल किया, यानी अब ये वर्क नहीं कर रहा है, 2 मिनट हमने रखा इसको, अब हम 2 मिनट में वेंट कर देंगे इसको। देखिए 2 मिनट हो गई है, अब हम वेंट करते हैं। ये देखिए कैसा बबल हो रहा है। चले अब हम चेक करते हैं कि हमारी आलू और बोटी गल गई है कि नहीं। ये देखिए ये आलू जो है ये ज़बरदस्त सा गल गया, और हमें ओवर कुक नहीं करना है आलू को, ओवर कुक करने से तरी चली जाती है। और ये बोटी हमारी, ये देखें इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस। तो चले ये हमने 1 टेबलस्पून जितना डाल दिया, अब इस पर हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए हमने रखा है हरा धनिया, और थोड़ा सा डाल दिया। चलिए इसको हिला लेते हैं और अब हम डिश आउट करते हैं। देखा कैसा झटपट हमने ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बना दिया फास्टेस्ट वे में, ना भूना ना कुछ किया। और देखें शक्ल, देखें सूरत, देखें इसकी, हमारे घर में इस कदर ये पॉपुलर है मतलब ये ना बने तो हमारे यहाँ चैन नहीं आता है कि भाई वो आलू गोश्त कहाँ गया जल्दी वाला। तो ये जल्दी वाला ज़बरदस्त वाला आलू गोश्त अब मैं आपके सामने ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है।
मार डाला, खतरनाक। मैं बता रही हूँ, आलू गोश्त से बेहतर कोई खाना दुनिया में नहीं हो सकता। ये आप लोगों के नाम इस कदर खतरनाक है, अद गुड थिंग कुछ नहीं करना है, अब इतना खतरनाक है। आप लोग जब एक दफा बनाएंगे ना, तो आप लोग भी हमारी फैमिली की तरफ फैन हो जाएंगे इस आलू गोश्त के। चले जाएं, जल्दी जल्दी जाके बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।